हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ईए क्रिकेट 07 के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैच। बेसिकली ये पैच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का है और बहुत अच्छा पैच है। रेल फेसिस हैं, किट्स अपग्रेडेड हैं, रोस्टर अपग्रेडेड हैं, वर्ल्ड कप आप इसके अंदर खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ है। सारा कुछ डिटेल से बताऊँगा आपको इसी वीडियो में गाइज। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और वीडियो के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए और आपका गेम वर्क कर जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पेस्ट किया, उस पर क्लिक करके आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। पैच वाली डायरेक्ट ड्राइव का लिंक है, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें कुछ इस तरीके से। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। अब आपको अपनी फाइल जहाँ पर आपने डाउनलोड की है वो फोल्डर खोलना है। उससे पहले आपको चाहिए ई स्पोर्ट्स की एक फ्रेश कॉपी, ई स्पोर्ट्स 07 की। तो फ्रेश कॉपी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने भी इस पर वीडियो बना रखी है कि ई क्रिकेट 07 को आप कैसे डाउनलोड करें, गेम प्ले प्रूफ के साथ बनाई है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिर्फ और सिर्फ 350 MB में मैंने इसको डाउनलोड करके दिखाया है, 100% वर्किंग है। तो वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास फ्रेश कॉपी नहीं है। फिर आपको ये पैच वाली फाइल इसी फोल्डर में पेस्ट कर देनी है जिस फोल्डर में आपकी ये ES क्रिकेट 07 पड़ी हुई है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर आके पेस्ट कर दी है। तो अब क्या करना है, आपको इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है इस पर राइट क्लिक करके। और शायद ये कोई बग है, विनरार का लोगो शो नहीं हो रहा फाइल पे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आरजे फाइल है और पूरी ओपन हो रही है। और मैं आपको इसे एक्सट्रैक्ट करके भी दिखाऊंगा। तो इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं विनरार से ही। तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी इंस्टॉल होने में। तो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाए फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन फोल्डर्स बन गए हैं। एक ये वर्ल्ड कप 2019 पैच, दूसरा यहाँ पर प्रोफाइल्स का बना है, तीसरा यहाँ पर रोस्टर का बना है। तो ये तीन फोल्डर्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैच वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से ये सारी फाइल्स जो हैं इनको आपको कॉपी करके ईए क्रिकेट 07 वाले फोल्डर में पेस्ट कर देना है। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और आपको इस फोल्डर में पेस्ट कर देना है जहाँ पर आपके पास ये ईए क्रिकेट 07 पड़ी है। मैं यहाँ पर इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आप क्या करना है, अपना रोस्टर अपग्रेड करने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी पैच तो आ गया लेकिन रोस्टर वगैरह अपग्रेड नहीं हुआ, वही मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर एक रोस्टर वाला फोल्डर होगा, ये देख सकते हैं ये है। इसके अंदर एक और फोल्डर होगा WC19.ROS लिखा होगा इस पर। तो आपको इसको यहाँ से करना है कॉपी, या चाहें तो इस फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं अगर फोल्डर से ना वर्क करे तो, लेकिन फोल्डर से वर्क कर जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर खोलना है। वहाँ पर आपका फोल्डर बना होगा ईए क्रिकेट 07, तो उसके अंदर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इस रोस्टर को पेस्ट कर दिया ला के। अब आपको दूसरा प्रोफाइल वाला फोल्डर खोलना है। यहाँ पर आपके लिए ग्राफिक्स के लिए फोल्डर हैं, यानी अगर आप इसमें से कोई भी फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करेंगे तो आपकी ग्राफिक्स जो हैं गेम की अच्छी हो जाएंगी। अगर आपका पीसी हाई स्पेक है तो आप हाई स्पेक वाली पेस्ट कर सकते हैं फोल्डर, अगर लो स्पेक है तो लो स्पेक, मीडियम स्पेक है तो मीडियम स्पेक वाली आप जो है पेस्ट कर सकते हैं फोल्डर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में।
यहाँ से अब किसी भी एक को आपने कॉपी कर लेना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। मैंने इसे पहले भी कॉपी किया हुआ है तो मैं इसे कॉपी एंड रिप्लेस कर देता हूँ। तो ठीक है, ये हो चुका है। और अब आपको क्या करना है भाई, अपनी गेम को जो है ओपन करना है। गेम आपका 100% वर्किंग है और चल जाएगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अपनी जो है गेम उसको ओपन करना है। मैं भी अपनी गेम को ओपन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क कर रही है। तो ओपन करते हैं। EA Sports. It's in the game. तो देख सकते हैं यहाँ पर पैच इंस्टॉल हो चुका है। बहुत ही अच्छा पैच है, खेलेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं भी आपको थोड़ा सा खेल के दिखा देता हूँ। तो अब क्या करना है, मैं आपको फ्रेंडली मैच लगा के दिखा देता हूँ। रोस्टर वगैरह जो भी अपग्रेड हुए हैं देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैच है। ये देख सकते हैं सारे रोस्टर अपग्रेडेड हैं। जो प्लेइंग 11 के रोस्टर होंगे वो अपग्रेडेड होंगे आपके। आपकी प्लेइंग 11 जो है वो फुली अपग्रेडेड होगी, बाकी वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर बाकी भी कुछ अपग्रेडेड हैं, अंदर से दो तीन अपग्रेड नहीं किए हुए तो। लेकिन आपकी प्लेइंग 11 जो है पूरी अपग्रेडेड है और साथ में चार पांच प्लेयर और भी हैं, उनके भी नेम चेंज हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका गेम प्ले प्रूफ। गाइस गेम प्ले प्रूफ तो आपने देख ही लिया होगा, जैसा ये गेम 100% वर्किंग है, पैच भी अच्छा चल रहा है और पैच है भी बड़ा मज़े का। मुझे तो बड़ा मज़े का लगा है। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। जैसा कि उसमें स्टेडियम भी अपग्रेड हो गए हैं, किट्स भी, रोस्टर भी, सब कुछ अपग्रेड हो गया। वर्ल्ड कप भी आप उसके अंदर खेल सकते हैं। और हाँ गाइस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इससे भी कोई लेटेस्ट पैच चाहिए, वो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आ जाऊँगा। कोई भी और गेम चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करना है, कोई अच्छा सा कमेंट भी लिखना है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई वीडियो लाऊँ तो आपको पता चल जाए और आप वो देख लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।